और चलिए सीधा रुख करेंगे राजस्थान के सीकर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। परम सम्मानीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिकवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष महरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष मील जी, लोकसभा चुनाव के समन्वयक श्री रामलाल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज की इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, परम गौ भक्त माना बाबा किस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा, देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली दो बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी तीन दिन पहले की घटना है, ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले दो वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या है ये वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है, भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते, अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है, बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना।
इसीलिए तो, और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों, देश बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है और सीकर शिक्षा की भूमि है। यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे, लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए, देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में, मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखेंगे मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। हम अब नहीं कर पाएगा, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद और उनके जो प्रश्रय दाता पहले पत्थर फेंकते थे ना जम्मू कश्मीर में, आज वे भी गायब हो गए। कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त हो गई। हम समस्या नहीं देते, भाजपा समाधान देती है, समस्या कांग्रेस देती है और उसके सहयोगी दल इस समस्या की जड़ है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, स्वामी जी भी एक मेडिकल कॉलेज यहां लेके आए। सिंचाई परियोजना को हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर घर नल की योजना। और केवल अयोध्या में रामलला का मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में लाभ भी दिया जा रहा है, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात, और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कभी तो मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, ये सभी काम, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, 4 लेन 6 लेन की हाईवे, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये सभी तो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहे हैं। ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, नई नई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, ये सभी तो मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। और बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण की कोई सानी नहीं, आजीविका भी है नौजवान के लिए,
और आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में क्या रामलला का ये भव्य मंदिर जो बना है, क्या ये कांग्रेस या कम्युनिस्ट लोग कर पाते क्या? इन्होंने तो राम को ही नकार दिया था, इन्होंने तो कह दिया कि राम हुए ही नहीं, इन्होंने कहा कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हमारी आस्था पर कैसे प्रहार करते थे लोग, कैसे प्रहार करते थे, ये नकारते थे, हमारी आस्था पर प्रहार करते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करवाते थे, व्यापारी असुरक्षित होता था, देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था, अविश्वास का वातावरण था। और उन स्थितियों में इस देश ने मोदी जी को अपना नेतृत्व सौंपा था 2014 में। बहनों और भाइयों, जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय जनता जनार्दन को जाता है, क्योंकि आपके इस वोट ने इस देश की इस तकदीर को, इस तस्वीर को बदल करके रख दिया है। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, वहां कर्फ्यू भी नहीं लगा, यानी उत्तर प्रदेश के लोग कर्फ्यू भूल गया। अब कर्फ्यू नहीं, वहां धूमधड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है, करोड़ों लोग निकलते हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला विराजमान हुए। और बहनों भाइयों, मात्र पिछले 2 महीनों के दौरान लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन कर लिया। यानी क्या, किस प्रकार का भाव था, कैसे दबाया गया था इस देश की आस्था को। यह देश दुनिया की एक ग्लोबल पावर बन रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने अमृतकाल में देशवासियों को संकल्प दिलाया है कि हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान आवश्यक है, और विकसित राजस्थान के लिए विकसित सीकर भी आवश्यक है, और विकसित सीकर के लिए स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी आवश्यक है। देखो, आपको कितना अच्छा लगता होगा जब स्वामी जी सीकर की आवाज को देश की संसद में रखते हैं, अलग ही पहचान बनती होगी ना, दिखती होगी ना, कोई रंग बिरंगा नहीं, केवल एक ही कलर है भारत का, कोई संदेह नहीं होता होगा ना। तो स्वामी जी जब जाते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, समाज के लिए, कोई तीसरा कार्य नहीं, पूरा जीवन देश और समाज के लिए। दुनिया के अंदर कहीं देखने को मिलता है ऐसा? कहीं नहीं मिलता है। और मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया है। ₹140 करोड़ लोग ही मोदी जी का परिवार है, पूरा सीकर, पूरा राजस्थान स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी का परिवार है, और इसी के लिए लगे रहते हैं, इसी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। समाज की कुरूतियों के खिलाफ आवाज उठाना, समाज में सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए कार्य करना, समाज के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए कार्य करना, सीकर के विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, और वही शालीनता, वही सज्जनता के साथ किस रूप में उनके द्वारा लगातार सेवा किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, अत्यंत अभिनंदनीय है, इस प्रकार का जनप्रतिनिधि, इस प्रकार का सांसद, इस प्रकार का जनप्रतिनिधि मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। आप सौभाग्यशाली है, आपको स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जैसा
जनप्रतिनिधि प्राप्त हुआ है और इसलिए बहनों और भाइयों हम सब आपसे अपील करने के लिए, मुझे पहले से प्रणाम पता था सीकर के बारे में, पहले दिन से ही जैसे स्वामी जी के नाम की घोषणा हुई तो हमने कहा कि सीकर की सीट भारतीय जनता पार्टी की पक्की है। अब तो हम यही अपील करने के लिए आए हैं, बढ़त इतनी होनी चाहिए कि आप भी अपने आप को साबित कर सकें कि सीकर के माध्यम से राजस्थान ने भी कम्युनिस्टों को हमेशा के लिए यहां के मरुस्थल में समाप्त कर दिया, डुबो दिया। सहमत है ना? सहमत है? पहले ही चरण में वोटिंग होनी है। देखो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो सातों चरणों में वोट है, 80 लोकसभा सीट है। और जैसे मुझे यहां का पता लगा मैंने कहा भी चलो एक ही दिन सही, लेकिन मैं स्वामी जी के क्षेत्र में जरूर जाऊंगा। और बहनों और भाइयों आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप ऐसे कितने लोग अयोध्या गए? 19 के बाद चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार अयोध्या फिर से आइए दर्शन करने के लिए। नए अयोध्या के दर्शन होंगे आपको, नया अयोध्या दिखेगा, ऐसे लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या फिर से आ गया है। ये काम क्या कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट कर पाते क्या? बहनों और भाइयों इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, जिसकी श्वास में दम ही न हो वे क्या काम करेंगे राम का। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, स्वामी जी को इतने भारी बहुमत से चुनाव जिता करके विजय भाइयों बहनों की यादगार पारी बने, और यादगार पाने के लिए हम सब आज आपके पास आए हैं। और भाइयों बहनों हम सब इस बारे में कह सकते हैं, हम लोगों ने अपने जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अब आश्चर्य करेंगे, भगवान राम अयोध्या में विराजमान बाद में हुए, पहले अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया, और काशी में संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मभूमि श्री गोवर्धन को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया, भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को किसी अन्य ने नहीं मोदी जी ने मान्यता देकर के उनके पुनरुद्धार का काम भी किया। यह काम मोदी जी के द्वारा हुआ, और आज इसीलिए इस धरा को बाबा किवादास के जो सांगलिया धुनी है इसको ही मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि बड़ी पवित्र स्थली है। हमारे यहां तो बहुत पवित्रता के साथ कहा जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ईश्वर की प्रार्थना में, राष्ट्र की प्रार्थना में जो संलिप्त हो, समर्पित हो, उनके प्रति पूरा जीवन और हम सबकी श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और बहनों और भाइयों यह देश के प्रति जो भाव मोदी जी का है उसको कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम भारतवासियों के पास है। हम सब 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, और 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में सीकर लोकसभा सीट पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी को इतने भारी मोहब्बत से चुनाव जिता करके भेजिए कि आने वाले समय में कोई दूसरा व्यक्ति फिर सामने आने की हिम्मत न कर सके, और खासतौर पर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का विरोध करता हो, मूल्यों का विरोध करता हो, आदर्शों का विरोध करता हो, भारतीयता का विरोध करता हो, उसकी तो कतई हिम्मत न होने पाए। सहमत है? सहमत है सभी लोग? तो स्वामी जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, तो फिर सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपकी तरफ से स्वामी जी का सम्मान करने जा रहा हूं। सहमत है ना? सहमत है? स्वामी जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, और सीएम ने कई बड़ी बातें कही हैं, और उन्होंने कहा कि देश का सम्मान बढ़ा है, और साथ ही यूपी जिस तरह से
विकास कर रहा है और यूपी में जिस तरह से विकास हुआ है और लगातार उत्तर प्रदेश जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।